हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनुराधा शर्मा। वेलकम टू कारफैक्ट्स। आज मैं आपको एक ऐसे चोर की कहानी सुनाऊंगी जिसकी हिंदुस्तान में कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। ये इतना शातिर था कि एक बार ये भारत सरकार को धोखा देके हरियाणा के झज्जर कोर्ट में नकली जज बन गया था। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। मैं बात कर रही हूँ धनीराम मित्तल की। हिंदुस्तान में चोरी की दुनिया में धनीराम मित्तल ने एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। 1939 में धनीराम मित्तल हरियाणा के भिवानी इलाके में पैदा हुआ था। 24 साल की उम्र तक वो मेरे और आपकी तरह एक आम इंसान था। रोहतक से इसने ग्रेजुएशन की। पढ़ाई में भी काफी होशियार था। 25 साल की उम्र में इसने नौकरी ढूंढनी शुरू की, पर नौकरी मिली नहीं। और नौकरी ना मिलने के कारण ही ये इतना हताश हो गया कि इसने ईमानदारी का रास्ता ही छोड़ दिया। 1964 में जब ये 25 साल का था, ये रोहतक के आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने लगा। आरटीओ मतलब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, जहां हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं। इसने आरटीओ के चक्कर लगाकर ये सीखा कि यहां किस तरह से क्या क्या काम होता है। और उसके बाद इसने सबसे पहले रोहतक के आरटीओ में फर्जीवाड़े का काम शुरू कर दिया। इसने वहां नकली कागज बनाने सीखे और लोगों के लाइसेंस बनाकर पैसे कमाने लगा। पर फिर इसे लगा कि इन नकली कागजों का कहीं और भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिर क्या था, इसने अपने फेक डिग्री और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स बना दिए और 1968 में जाली दस्तावेजों से रेलवे में नौकरी ले ली और स्टेशन मास्टर बन गया। 1968 से 1974 तक इसने स्टेशन मास्टर की नौकरी की, पर फिर ये इस नौकरी से बोर हो गया। स्टेशन मास्टर की नौकरी छोड़ने के बाद इसने गाड़ियां चुराना और बेचना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ इसने नई चीजें भी सीखना शुरू किया। इसने हैंडराइटिंग और ग्राफोलॉजी का कोर्स भी किया ताकि ये गाड़ियों के नकली कागज आराम से बना सके। गाड़ियां चुराने के जुर्म में ये कई बार पकड़ा भी गया था। चोरी करता, पकड़ा जाता, फिर चोरी करता, फिर पकड़ा जाता और कोर्ट ले जाया जाता। इसने करीब 1000 गाड़ियां चुराई। अब तो जज, वकील और पुलिस वाले भी धनीराम मित्तल को बड़े अच्छे से जानने लगे थे। और इसने कानून के दांवपेच सीखने के लिए LLB की पढ़ाई भी की थी। इसका कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि ये सभी चोरियां दिन में करता था। ये सब चोरियां तो चलती रही, पर इसे हिंदुस्तान का सबसे शातिर चोर क्यों माना गया, इसके पीछे भी एक कहानी है। और ये कहानी ऐसी है कि इसकी आपको कोई और मिसाल नहीं मिलेगी। ये कहानी है 1980 की। उस वक्त ये हरियाणा में था और इसने अखबार में पढ़ा कि झज्जर के एडिशनल सिविल जज के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। कोई करप्शन का मामला था, उसको लेकर जांच हो रही थी और ये इंक्वायरी बिठाई थी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने। अब ये खबर अखबार में पढ़कर धनीराम मित्तल के दिमाग में एक आइडिया आया। धनीराम मित्तल ने हरियाणा और पंजाब के रजिस्ट्रार के नाम पर एक लेटर तैयार किया, नकली स्टैंप और सिग्नेचर किए। नकली कागज बनाने में तो एक्सपर्ट था ही। और इस लेटर को उसने भेज दिया झज्जर के सिविल कोर्ट के उस जज के पास जिसके खिलाफ ही इंक्वायरी चल रही थी। इस खत में एक समन था जिसमें लिखा था कि क्योंकि आपके खिलाफ करप्शन को लेकर इंक्वायरी चल रही है, तो आप 2 महीने की छुट्टी पर रहेंगे जब तक ये इंक्वायरी चलेगी। उस वक्त इंटरनेट या मोबाइल तो थे नहीं, इसीलिए खत लिखकर बात होती थी। अब ये खत पढ़कर जज छुट्टी पर चले गए और जज के छुट्टी पर जाते ही धनीराम मित्तल ने एक और खत लिखा और ये खत भेजता है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम से। और इस खत में लिखा था कि जब तक एडिशनल सिविल जज छुट्टी पर रहेंगे, तब तक यहाँ का काम एक नए जज देखेंगे। और उसके बाद एक नया जज आता है और अगले 40 दिनों तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जज की कुर्सी पर बैठकर मुजरिमों की सुनवाई करता है। और ये नया जज था धनीराम मित्तल, हिंदुस्तान का सबसे शातिर चोर। और इस बीच ये 2470 लोगों को जमानत दे देता है। इन 40 दिनों में वो नॉर्मल जज की तरह ऑफिस आता, सब उसको देखकर खड़े होते और पूरी इज्जत देते। अब क्योंकि ये खुद एक मुजरिम था, तो इसीलिए इसे दूसरे मुजरिमों के साथ थोड़ी हमदर्दी थी और इसीलिए ये छोटे मोटे मुजरिमों को आते ही जमानत दे देता था। कुछ लोगों को इसने सजा भी दी। इसने LLB की थी तो इसे कानून की समझ तो थी ही। और फिर 40 दिन बाद ये कोर्ट से अचानक ही गायब हो गया। और उसके बाद झज्जर कोर्ट के रजिस्ट्रार ने हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया कि जज साहब नहीं आ रहे हैं। तो तब पता लगा कि ऐसा कोई ऑर्डर आया ही नहीं था कि पुराने जज छुट्टी पर जाएंगे और उसकी जगह कोई नए जज आएंगे। जब तक ये पता लगा कि ये सारा फर्जी मामला था, तब तक तो धनीराम मित्तल झज्जर छोड़ चुका था। बाद में जब पकड़ा गया तो उसने खुद ये कहानी सुनाई कैसे उसे अखबार में पढ़कर ये आइडिया आया था। और साथ ही उसने ये भी कहा कि उसने किसी भी रेपिस्ट या कातिल जैसे मुजरिमों को जमानत नहीं दी।
मैंने सिर्फ उन लोगों को जमानत दी है जिसे आज नहीं तो कुछ महीनों बाद जमानत वैसे भी मिल जाती। सच्चाई सामने आने के बाद 39 दिनों में इसने जितने भी फैसले सुनाए थे उन सभी को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि ये कोई कानूनी जज नहीं था। अब आप खुद सोचिए कि 2470 लोगों को जिनको इसने जमानत दी थी उन्हें दोबारा से ढूंढ कर वापस जेल में लाने में इसने कानून का कितना काम बढ़ा दिया। और इसके बाद सभी छोटे मोटे चोर उचक्के धनी राम मित्तल के फैन बन गए। धनी राम मित्तल जिस भी जेल में जाता वहां के मुजरिम उसे बहुत इज्जत देते थे, इससे मिलने आते थे ताकि इससे कुछ सीख सके। धनी राम मित्तल को 94 बार गिरफ्तार किया गया, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आप सबको पता है कि अगर एक बार जेल हो जाए तो कोर्ट के कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, और फिर ये तो 94 बार गिरफ्तार हुआ, तो सोचिए इसने कितने कोर्ट के चक्कर लगाए होंगे। धनीराम मित्तल आज भी जिंदा है और आज ये करीब 81 साल का हो चुका है। आखिरी बार ये 2016 में कार चोरी करने के जुर्म में पकड़ा गया था और उस वक्त ये 77 साल का था। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्पेक्ट को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।